पिछले बार हम लोगों को यह कहा गया कि ठीक है करेंगे करेंगे करते करते बरसात आ गई, बोला कि फल फाटिंग का काम होगा। हम लोगों ने फल फाटिंग का काम भी बहुत अच्छे ढंग से किया, आपने देखा होगा एक एक किलोमीटर तक बनवाने का काम किया, लेकिन वो रुका नहीं। वो फिर अक्टूबर के बाद में जो सजा पाया उसने सारा बाहर करके लेके चले गए। फिर हम लोग जहाँ थे वहीं खड़े हो गए। तो फिर हम लोग सरकार से ये गुहार लगाने लगा रहे हैं कि हमारी जो आवाम है जो हर साल सैर दो एकड़ जमीन कम कर देंगे विलीन हो जाता है, लोगों के घर कट कर बह जाता है, इसको रोकने का काम करो, इसको प्रदर्शन करने का काम करो, सरकार के काम में दूर तक नहीं लेती। आप लोगों ने अगर सड़क की कार्रवाई देखते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि शुरू दिन से ही हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को ये बताने का काम कर रहे हैं कि हमारे इलाके में जो दिल्ली कला का जो मसला है इस पर सरकार गौर करे, लेकिन सरकार ये अंधी भूंगी सरकार ये बहरी सरकार सुन नहीं रही है। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है, एक समय सीमा दिया है सरकार को कि ये बरसात से पहले पहले अगर ये सरकार नहीं करती है तो हम लोगों को रोड बंद करना होगा। उसी सिलसिले में ये कार्यक्रम रखा गया है आप लोगों को अवेयर करने के लिए, आप लोगों को जगाने के लिए कि आप लोगों को साथ देना होगा, चाहे हम लोगों को एरिया काम करना पड़े चाहे हमने काम करना पड़े, हम लोग काम करेंगे, सरकार से अपनी हक की लड़ाई लड़कर लेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो पंजाब के किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे वो 17-18 महीने तक लड़ाई लड़े, सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा, उसी तरह हम लोग भी झुकाएंगे और अपने इलाके में जो नदी कटाव से जो कमाई हो रहा है जो बर्बादी हो रहा है जो हमारे सबसे पिछड़ापन का सबसे बड़ा वजह है इसको रोकने का काम करेगी सरकार को मजबूत करेगी। हम लोग चाह रहे हैं कि जगह जगह जाकर, चूंकि अभी सरकार ने हम लोगों को अभी आप लोगों ने सदन की कार्यवाही देखी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे वो हम लोग हर सवाल का हर तरह से हम लोग सवाल उठाने का काम किए अपने इलाके में नदी कटाव को लेकर, लेकिन सरकार ने इसमें कोई मतलब कारगर जवाब नहीं दिया कि आप लोगों का किसी फल फाटिंग का काम किए हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो फल फाटिंग का काम करेंगे। मैं सारे जवाब को फेसबुक में डाल दूंगा, आप लोग देखिएगा। लेकिन जब हम लोग वेल में गए कुछ लोग अभी बोल रहे थे ये बेइज्जती की बात नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं लोग, अगर वेल का मतलब ये है कि सरकार अगर हमारे बात को नहीं सुनती है तो लोग वेल में जाके हल्ला करते हैं, अगर उठा के अगर उसको बाहर करने का काम करते हैं तो उस विधायक के लिए वो फख्र की बात होती है कि अपने अवाम के लिए हर सवाल किया जाता है। ये लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि बेइज्जत करके, ये बेइज्जत की बात नहीं है, ये मेरे हक के लिए लड़ते हुए अगर मेरे से हर सवाल किया गया तो ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। लोग गुमराह कर रहे हैं कि उन लोगों को बाहर कर दिया गया, बाहर नहीं किया, ये नियम है। आप अगर सदन में देखते होंगे कार्यवाही तो लोकसभा से लेकर विधानसभा तक ये होता है। अपने कब तक खुद कुछ नहीं कर समझते हैं कि मैं कम से कम अपनी आवाज अवाम की आवाज को उठाया तो हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ का मकसद यही है कि आप लोगों को आप लोग मजबूती से साथ दे, अगर जरूरत पड़ी तो इंडियन जाने करना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे और इंडियन को काम करने करेंगे, सरकार को ये चेताएंगे कि हम लोग जागते हैं, अब हमारा हिस्सा हमको दो नहीं तो फिर हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार का एक मजबूत जगह बने, हमारा जो जिला है एक मजबूत जिला बने, बिहार के साथ गंगा से गंगा मिलाकर इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करें। हम लोग का प्रयास यही है। आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों की लड़ाई को चार अभी इलाका वाला रोड आपने देखा होगा बरसों से नहीं हो पा रहा था, हमने प्रयास करने किया, चाहे वो चरकपुरा वाला हो चाहे आपका चकचकी वाला हो चाहे वहाँ जोहर वाला हो, हर वो काम जो नहीं हो रहा था हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं और लड़के वहाँ के अवाम के सहूलत के लिए हम लड़ने का काम कर रहे हैं। और ये भी एक लड़ाई है लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया है हम लोग हफ्ता दस दिन इंतजार करेंगे, अगर इस हफ्ता दस दिन में अगर काम नहीं किया तो फिर हम लोग सड़क से लेके सड़क तक काम करने का काम करेंगे। इस पर आप लोगों का साथ चाहिए, इसी बात को लेकर आपके सरकार के लोग खाली हुए हैं, बस इसी हम लोग आप लोगों के हमारे सदस्य को भी सुना है, इसलिए मैं अपनी बात को